हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप लोग हाउ यू आर डूइंग आई होप कि आपका जो नीट का एग्ज़ाम नीट 2023 का एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छा बीता है और अब आप लोग काउंसलिंग प्रोसीजर के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और मशक्कत कर रहे हो मैंने एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ़ योर ओ एम शीट डिक्लेरेशन ऑफ़ योर रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि जब हमारी काउंसलिंग की प्रोसीजर स्टार्ट होगी तब मैं आपकी हेल्प करूंगा तो आज मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉपर काउंसलिंग प्रोसीजर एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे हूं ऑल इंडिया कोटा क्या होता है इस बार चार राउंड कैसे इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं मॉपअप राउंड के बाद एक और नया फोर्थ राउंड क्यों इंक्लूड किया गया है और अगर हमने यहां पे फोर्थ राउंड को काउंसलिंग फॉलो करने के बाद अगर सीट को छोड़ दिया तो क्यों कैंडिडेट्स दो साल के लिए रजिस्ट्रेशन तो तो 700, 700 नहीं स्ट्रे वी राउंड को हम क्यों आ, इस फोर्थ राउंड को जिसका नाम स्ट्रे वैकेंसी राउंड है क्यों हम लेके इसको इतना ज्यादा मार्ग रहे स्टूडेंट्स के, के लिए ये काफी खतरनाक हो गया है कि अगर

आप एग्जिट कर गए तो अगले दो साल के लिए आपको क्यों बार कर दिया जा रहा है सो स्टूडेंट्स प्लीज देयर विद डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करूंगा बॉडी uh, जो मेडिकल काउंसलिंग कमिटी है या डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है वो किस तरह से ऑल इंडिया कोटा और ये फिफ्टीन परसेंट कोटा के लिए प्रॉपर हमारी काउंसलिंग कर रहा है ये प्रोसीजर ऑलरेडी औरे, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है हमारी चॉइस फिलिंग ट्वेंटी सेकेंड से लेकर ट्वेंटी सिक्स जुलाई के बीच में करनी है कैसे हमें अपनी सीट को लॉक करना है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारी चॉइस फिलिंग कैसी होनी चाहिए हम अगर अपने रैंक्स के हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग करते हैं तो कौन से कॉलेजेस को हम प्रिफर करेंगे जिससे कि हमें जल्दी से जल्दी सीट अलॉट हो जाएगी सो so, डेफिनेटली मैं आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूँ प्लीज बी टिल एंड ऑफ दिस वीडियो स्टूडेंट्स दिस इज द केस लाइक इट इज नीट यूजी ug 2023 counseling काउंसलिंग प्रोसेस एंड स्टेप step स्टेप कंप्लीटली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग थिंग यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो व्हाट इज द स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा प्रोसीजर ऑल इंडिया कोटा की 15 परसेंट सीट्स क्या होती है ये हम देखेंगे एंड जो रिजर्वेशन प्रोसीजर है वो क्या है वो भी हम देखेंगे

किसी दूसरे स्टेट में जाके वो एडमिशन ले तो उसको ऑल इंडिया कोटा से जाना पड़ेगा उसके पास जो 85 परसेंट का कोटा होता है 85 परसेंट का जो रिजर्वेशन होता है वो उसके लिए अप्लाई नहीं करेगा कुछ यहां पे फॉरेन जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए अप्लाइड होता है लाइक एन होंगे एंड ओवरसीज सीज ऑफ इंडिया होंगे या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होंगे

With their own house, not in a rented house. उस नॉट इन हाउस और उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल उनके नाम पे होना चाहिए आपके पेरेंट्स के नाम पेटेरिया एंड अलॉन्गें तो इनफैक्ट जो स्टेट uh, हमारा महाराष्ट्र स्टेट है वो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ईयर टू ईयर चेंज करता रहता है तो आई विलेशन विदी गवर्नमेंट पर्सनल जो आपको प्रॉपर गाइड करेगा जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है जनरल इंफॉर्मेशन में फॉर द डोमिसाइल वो मैं आपको बता रहा हूँ so, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो इस बार जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो स्टेट काउंसलिंग है और ऑल इंडिया काउंसलिंग दोनों एक साथ चल रही है बिकॉज ऑफ द डील तो ये दोनों प्रोसेस आप एक साथ प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो नेक्स्ट वन कि काउंसलिंग जो अथॉरिटी है अकॉर्डिंग टू दिस जो हमें सीट्स अलॉट करने वाली है ऑल इंडिया कोटा में या स्टेट कोटा में ये क्या है तो अगर आप यहाँ पे काउंसलिंग अथॉरिटी की बात करेंगे तो हु इज द काउंसलिंग अथॉरिटी ऑल इंडिया कोटा के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज आपके लिए यहाँ पे अप्लाइड होगा दिस इज डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो आपकी ऑल इंडिया प्रॉपर काउंसलिंग कमेटी का पूरा का पूरा टेक ओवर करेगा डीम्ड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। लाइक like आप अगर देखेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटीज के अंदर भी कुछ मेडिकल कॉलेजेस आते हैं एंड आई पी यू अपोलो यूनिवर्सिटी के अंदर भी कुछ मेडिकल कॉलेजेस आते हैं उन सब की काउंसिलिंग में अगर आप देखोगे तो फिफ्टीन परसेंट ऑल इंडिया कोटा प्लस एटीफाइव परसेंट ऑल इंडिया जो स्टेट कोटा है इन दोनों की काउंसलिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ही करेगा क्योंकि यहाँ पे ऑल इंडिया काउंसलिंग भी वही बॉडी कर रही होगी गवर्नमेंट बॉडी और स्टेट काउंसलिंग भी वही गवर्नमेंट बॉडी कर रही होगी अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्टेट गवर्नमेंट की जो सीट हैं आपके रिस्पेक्टिव स्टेट की जो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी होगी वो 85 परसेंट स्टेट कोटा के लिए काउंसलिंग करेगी एंड जितने भी प्राइवेट कॉलेजेज होंगे इन अ पर्टिकुलर स्टेट उन प्राइवेट कॉलेजेस की भी जो काउंसलिंग होगी वो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी ही करने वाली है नेक्स्ट वन की अगर मैं रिजर्वेशन की की बात करूं दैट इज अ बिग प्रॉब्लम वजह से हम अच्छा मार्क्स स्कोर करने के बाद भी बिकॉज ऑफ दिस रिजर्वेशन काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो अगर आप देखोगे तो जो जनरल कैटेगरी है उसके पास नॉट फिफ्टी परसेंट इवन लेस फिफ्टी परसेंट अनरिजर्व सीट्स हैं जिसको हम ओपन कैटेगरी बोलेंगे और इस ओपन कैटेगरी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप किसी भी कॉलेज की सीट का ऑलमोस्ट 50 परसेंट से ज्यादा सीट तो आप ये मान लो कि रिजर्व है लेस देन 50 परसेंट यहाँ पे एग्जैक्टली exactly मैंने आपको जो डेटा दिया है दैट इज थर्टी दिस डेटा कैन ऑल्सो वेरी ये ओपन कैटेगरी के है और बाकी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि एस कैटेगरी के लिए फिफ्टीन परसेंट एस टी कैटेगरी के लिए और बाकी सारा का सारा ट्वेंटी सेवन परसेंट जो है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए है तो ये हो गया रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू दैट ऑल इंडिया कोटा एंड नेक्स्ट इसके बाद अगर हम देखेंगे तो क्या है एलिजिबिलिटी फॉर द फिफ्टीन परसेंट ऑल इंडिया कोटा में पहले ही आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इंडियन नेशनल्स हैं तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है कि दे कैन गो आउट आउटसाइड ऑफ देयर ओम uh, स्टेट अपने होम स्टेट से वो बाहर जा सकते हैं अगर कोई एनआरआई है तो वो ऑल इंडिया कोटा में ही एडमिशन ले पाएगा वो स्टेट काउंसिलिंग यासेंट सीट में एडमिशन नहीं ले पाएगा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है फॉरिन नेशनल्स हैं दे आर ओनली एलिजिबल फॉर द फिफ्टीन परसेंट ऑल इंडिया कोटा एंड दे कैन ओनली गो विद दिस स्टूडेंट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड जे एंड के ये जो यूनियन टेरिटरी एंड टेड के स्टूडेंट्स हैं ये भी हमारे इस 15 कोटा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे इफ दे दे आर नॉट ऑप्टिंग फॉर देयर ओन स्टेट देन ओनली कैन अप्लाई तो वो उतना मैटर आपके लिए नहीं करता है हम यहाँ पे बेसिक जनरल डिस्कस कर रहे हैं अब अगर यहाँ पे मैं स्कीम देखू स्कीम ऑफ द ऑल इंडिया यूजी काउंसिलिंग प्रोग्राम ट्वेंटी तो प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग का जो फ्लोचार्ट है सबसे पहले आपको यहां पे करना होगा रजिस्ट्रेशन एंड जिस वेबसाइट के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना है दैट वेबसाइट इज द मेडिकल काउंसलिंग कमिटी डॉट एनआईसी डॉट इन दैट इज एमसी डॉट एन आईसी डॉट इन यहां पे जाके आप ऑनलाइन जब रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको यहां पे अपना मोबाइल नंबर आपका मोबाइल नंबर प्लस आपकी मेल आईडी दिस इज योर मेल आईडी वही प्रोवाइड कराना होगा विच यू गेव एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ नीट फॉर्म एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ फॉर्म नीट का फॉर्म फिल करने के टाइम पे जो भी आपने अपना मोबाइल नंबर अपडेट किया था और जो भी आपने मेल आई डी अपडेट किया थाम इज रिक्वायर्डर रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट्स ऑफ द फीस यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन एंड ट्यूशन फीस बट फिलहाल आपको ओनली एंड ओनली रजिस्ट्रेशन फी देना है एंड यहाँ पे सिक्योरिटी फी देना है जो रजिस्ट्रेशन फीस है अगर मैं रजिस्ट्रेशन फीस की बात करूं तो फॉर गवर्नमेंट सीट्स ऑफ ऑल इंडिया कोटा अगर हम ऑल इंडिया कोटा में जाएंगे तो यहां पे दो तरह की फीस आपको देनी होगी वन इज कॉल्ड एज रजिस्ट्रेशन फीस एंड अदर इज कॉल्ड एज सिक्योरिटी फीस रजिस्ट्रेशन फीस फॉर द ओपन कैटेगरी इज वन थाउजेंड एंड फॉर द रिजर्व कैटेगरी इट इज फाइव हंड्रेड अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कोई भी रिजर्वेशन से बिलोंग नहीं करते हैं देन यू हैव टू पे दिस नॉन रिफंडेबल ये जो रजिस्ट्रेशन फी होगा ये नॉन रिफंडेबल होगा वन थाउजेंड पे करना है बट अगर आप एस सी एस टी या फिर ओ बी सी से बिलोंग करते हैं तो आपको नॉन रिफंडेबल फाइव हंड्रेड की फी पे करनी सिक्योरिटी फी इज ऑफ टेन थाउजेंड और ये जो होगा ये रिफंडेबल है बट कंडीशनल रिफंडेबल बड़े ध्यान से आप मेरे रूल्स को समझना कि अगर आपने प्रॉपर रूल्स फॉलो किए तब तो आपकी सिक्योरिटी जो होगी वो आपको रिफंड की जाएगी बट अगर कहीं भी ब्रीच ऑफ द रूल होगा तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो तो आप भूल ही जाओ वो आपको नहीं मिलेगा सो so, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी पे करना है एंड सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना है देन चॉइस फिलिंग दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो कैसी होनी चाहिए डाउनलोड कर सकते हैं एंड एज पर योर रैंक मैंने आपको एक पर्टिकुलर स्टेट महाराष्ट्र का डेटा uh, दिया होगा या कुछ uh, गिने जिने कॉलेजे का डेटा दिया होगा कि आप अपनी रैंक के हिसाब से एक फिक्स क्राइटेरिया बना सकते हैं कम या ज्यादा थोड़ा बहुत उसके आगे पीछे का देख सकते हैं कि लास्ट ईयर में इस कॉलेज में जो कट ऑफ गया है वो कितनी रैंक्स के बेसिस पे गया है और मैं क्या इस रैंक के क्लोज हूं देन यू कैन अप्लाई तो दैट विल बी डेफिनेटली गिविंग यू वेरी स्ट्रॉन्ग हेल्प इसके बाद क्या होगा कि फर्स्ट राउंड में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा और रिजल्ट डिक्लेयर के बाद आपको यहाँ पे सीट अलॉट होगी अब अगर सीट यहाँ पे अलॉट हो रही है तो आपके पास तीन ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन कहता है कि आप यहां पे एडमिशन ले लो आप यहां पे एडमिशन ले लो दूसरा ये कहता है कि आप एडमिशन के बाद यहां पे अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर लो आप यहां पे अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर लो एंड थर्ड वन इज कि यू कैन गेट एग्जिट आप यहाँ पे एग्जिट ले सकते हो फर्स्ट राउंड में जैसे ही आपने चॉइस फिलिंग किया रिजल्ट को रैंक को आपके प्रोसेस आपको, आपको मिला है देन यू गो एंड टेक एडमिशन वंस यू कन्फर्मड योर एडमिशन आपने एडमिशन को लॉक कर दिया आप काउंसलिंग से बाहर हो गए आप दोबारा काउंसलिंग में एंटर नहीं कर सकते

फी पे किया अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है बट मैं एडमिशन नहीं ले रहा हूं दैट इज कॉल्ड एज फ्री एग्जिट आपको कुछ अलग से नहीं करना है वहां पे कोई फॉर्म नहीं फिल करना है बट आपको कंफर्म कर देना है कि मैं सेकेंड राउंड का वेट कर रहा हूं अपने आप ये मान लिया जाएगा कि आप फर्स्ट राउंड से फ्री एग्जिट फॉलो कर रहे हो सो दिस इज द केस अब राउंड सेकेंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन किसको करना होगा जो फ्री एग्जिट कैंडिडेट्स हैं वो राउंड सेकेंड के लिए एप्लीकेबल तो हैं बट दे डू नॉट रिक्वायर्ड टू गो फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन उनको न्यू रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है एंड इसके बाद अगर मैं सेकेंड आपको सेकेंड स्लाइड पे दिखाऊं तो फर्स्ट राउंड का ये रिजल्ट है हमारा फर्स्ट राउंड में सीट का अलॉटमेंट हुआ था अब अगर सीट यहां पे अलॉट कर दी गई है सॉरी अब अगर यहां पे सीट हमारी अलॉट कर दी गई ऑफ़ सी रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी जो होगी वो किसके लिए अवेलेबल होगी राउंड टू में जिन्होंने अपने आप को कराया था एंड उन्होंने अपग्रेडेशन को ऑप्ट किया था या फिर वो फ्री एग्जिट लिए थे उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है बट ये किसको जरूरत है दो आर न्यू

राउंड वन रजिस्टर्ड कैंडिडेट नीड नॉट टू बी रजिस्टर्ड एंड पे अगेन बिकॉज वो राउंड में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं चॉइस सबमिशन जो राउंड का था इस बात को मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लाइन है है ये पॉइंट कि आपने राउंड वन में जो अपनी चॉइस फिलिंग किया था और उसके बाद उसकी लॉकिंग कर दी थी आप अगर राउंड सेकंड में दोबारा से या तो अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हो या फ्रेश रजिस्ट्रेशन के साथ जा रहे हो आप पहली वाली जो आपकी चॉइस थी वो बिल्कुल ही निल एंड वाइड हो जाएगी आपको फ्रेश चॉइस फॉर द सेकेंड राउंड देना ही कंपलसरी है अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करते हो तो ये माना जाएगा कि आप इस काउंसलिंग से अपने आप इस राउंड से बाहर हो रहे तो रौंड का रौंड का रौंड हो तो सेकेंड राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद सीट का अलॉटमेंट होगा और फिर से वही कंडीशन आती है आपके पास तीन ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर वन यू हैव टू टेक एडमिशन या तो आप एडमिशन लोगे ऑप्शन नंबर सेकेंड यू मे गो फॉर अपग्रेडेशन आप वहां पे अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो एंड ऑप्शन नंबर थर्ड यू कैन आल्सो ऑप्ट फॉर फ्री एग्जिट अगर आपको सीट अलॉट हुई और आप वहां पे गए ही नहीं आपने कुछ एक्टिविटी वहां पे नहीं दिखाया तो ये मान लिया जाएगा कि आप इस सेकेंड राउंड से फ्री एग्जिट ले रहे हो एंड अफ अगर यहाँ पे आप प्रॉपरली अपने अलॉटेड सीट के पास जाना चाह रहे हो तो यू है, है कि यस मैं यहाँ पे एडमिशन ले रहा हूँ या तो फिर आप फ्री एग्जिट कर सकते हो आपके पास दूसरे एंट्री एंट्री ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं अगर आपको सेकेंड राउंड में भी अपग्रेडेशन की जरूरत है तो आप थर्ड राउंड का वेट कर सकते हो और इसके बाद अब अगर हम यहां पे आ जाते हैं कि दिस इज सेकेंड राउंड सीट का अलॉटमेंट हुआ था राउंड सेकेंड में सीट का अलॉटमेंट हुआ और आपने यहां पे ले लिया एडमिशन यहां पे आपने ले लिया एडमिशन तो जैसे ही आपने यहां पे ले लिया एडमिशन अब ये आपके लिए फर्दर कोई भी काउंसलिंग का प्रोसेस नहीं होगा वो एंड हो चुका है अगर आपने एग्जिट किया है कि आपको सेकेंड राउंड में सीट मिली बट आपने एग्जिट किया है तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो प्रॉपरली रिफंड नहीं होने वाला है दिस इज द न्यू रोल एंड अगर आपने अलॉटेड सीट के साथ जाके रिपोर्ट किया है तो आप अपने एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करोगे और काउंसलिंग के प्रोसेस से बाहर हो जाओगे लेकिन जिन्होंने सेकेंड राउंड ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग को ज्वाइन किया था और उन्होंने यहां पे सीट को लिया है और लेने के बाद अगर वो उसको लीव कर रहे हैं तो दे आर नॉट अलाउड टू तो रिजाइन और लीव द सीट अगर उन्होंने सीट को अलॉट करने के बाद लिया है तो फिर वो सीट को नहीं क्विट कर सकते हैं not joined या not reported सीट को जो हम ये मान लेंगे कि वो सीट कोटा को चला गया है क्योंकि अब तक कैंडिडेट्स उसके ऊपर नहीं आए तो यहाँ पे नॉट ओनली ऑल इंडिया कोटा में हम गवर्नमेंट सीट्स को कंसीडर करेंगे बल्कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं उनको भी हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है फाइनली थोड़ा और डिटेल में अगर हम समझते हैं तो जो कंडक्टिंग बॉडी है और जो वेबसाइट है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो मेडिकल काउंसलिंग कमिटी ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है वो हमारी ऑल इंडिया काउंसलिंग प्रोसीजर को देखेगा एंड जब ऑल इंडिया काउंसलिंग प्रोसीजर की हम बात करेंगे तो किन किन कोर्सेज के लिए 2023 में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा रूल में मॉडिफिकेशन किया गया है कि अगर एमबीबीएस की सीट्स ऑल इंडिया लेवल में बीडीएस की सीट्स ऑल इंडिया लेवल में एंड एनबीएससी नर्सिंग की सीट्स भी हम ऑल इंडिया लेवल में यहां पे देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बोला था कि मेडिकल काउंसिल कमिटी डॉट एन आई सी डॉट इन आप वेबसाइट को विजिट करोगे आपका जो पुराना मोबाइल नंबर और मेल आईडी जिसके थ्रू आपने नीट का फॉर्म फिल किया था वही यहाँ पे यूज करोगे फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में मैंने बोला कि आपको फी यहाँ पे पे करनी है सबसे पहले वेबसाइट पे जाना है और आपको पेमेंट करनी है ये जो पेमेंट आपकी होने वाली है इसमें आप दो चीज़ों को पे करने वाले हो आप अपने रैंक के हिसाब से अपनी चॉइस की फिलिंग कर सकते हो मैंने जैसा कि आपको बताया कि ईच एंड एवरी राउंड नया फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होता है आपके रैंक के हिसाब से एमसीसी आपके इस एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगी उसके बाद रिजल्ट का डिक्लेरेशन होगा एंड उसके बाद सीट अलॉट होगा सीट के अलॉट होने के बाद आपके पास तीन ऑप्शन होंगे ये तीन ऑप्शन कौन से हैं वेदर आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो बिल्कुल वही है जैसा मैंने आपको बताया या फिर आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो कि यस आई वांट मोर बेटर और नहीं तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हो फ्री एग्जिट का मतलब मैंने आपको बताया कि आपको सीट अलॉट हुई बट आपने रिपोर्ट नहीं किया आपको यहां पे ये डिसीजन लेना होगा कि ये जो सीट है वो आप ले रहे हो या फिर आप अपग्रेडेशन के लिए जाने वाले हो वन बाय वन देखेंगे हम प्रॉपर प्रोसेस को स्टूडेंट्स और बिल्कुल भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आप दो साल के लिए बाढ़ हो सकते हो अगर आपने रूल्स में कहीं भी कोई भी ब्रीच किया तो रजिस्ट्रेशन फी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि फॉर द ओपन कैटेगरी क्या है एंड फॉर द रिजर्व कैटेगरी क्या है ये नॉन रिफंडेबल होगी लेकिन जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो किस तरह से रिफंडेबल होगा उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा कहीं भी आप मिस नहीं करना क्योंकि मैं यहाँ पे जो बताने वाला हूँ किस तरह से आप अपने सिक्योरिटी अमाउंट को बचा सकते हो डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो होती हैं उनका रजिस्ट्रेशन फी भी ज्यादा है आप देख रहे हो फाइव थाउजेंड और उनका जो सिक्योरिटी अमाउंट है है वो भी राउंड ,00 का रजिस्ट्रेशन आपने प्रॉपर कर लिया द डेट इज जुलाई टू ट्वेंटी फिफ्थ जुलाई स्टिल यू हैव अ टाइम आज अगर आप देखोगे तो आपके पास प्रॉपर टाइम है इट्स ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जुलाई और आप इसको ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जुलाई को रात के बारह बजे तक आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो उसके बाद आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे तो लेकिन यस एक बार आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो आपको एमसीसी के पोर्टल पे जाके वो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं वो अपलोड करना होगा ये डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं वो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके बेसिक आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट्स एज वेल एज आपके जो ट्वेल्थ uh, का आपका जो सर्टिफिक uh, मार्कशीट uh, है ये सारे के सारे इसकी जो जेरोक्स कॉपी होती है उसको हमें अटैच करके और यहाँ पे अपलोड करना होता है नेक्स्ट वन की काउंसलिंग जो कंडक्शन हो रहा है वो किस पर्पज के लिए हो रहा है अगर आप देखेंगे तो ऑल इंडिया सीट्स में मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि एमबीबीएस बीडीएस के अलावा बीएससी नर्सिंग सीट्स है

बट ऑलो एटी फाइव परसेंट मतलब 100 seats. अगर आप देखोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले जो like MAMC, मौलाना कि कुछ कॉलेज हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ रजिस्टर्ड है और कुछ कॉलेजेस हमारे इंद्रप्रस्थ अपोलो यूनिवर्सिटी के साथ रजिस्टर्ड है उनकी 100 परसेंट सीट्स की जो काउंसलिंग होगी वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही होगी वहां पे कोई स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी नहीं है एंड जामिया मिलिया इस्लामिया जो होती है इसमें सिर्फ बी के लिए एडमिशन होता है यहाँ पे एम की पढ़ाई नहीं होती है और इसके बी की जो भी सीट्स हैं उसके हंड्रेड सीट्स की जो फिलिंग होती है वो ऑल इंडिया कोटा से ही होगी अब अगर मैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो इनकी भी 100 परसेंट सीट्स की फिलिंग ऑल इंडिया कोटा से हो रही है ए के लिए जो हमारे पुणे में है आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज जो है आर्मी का बेस्ट मेडिकल कॉलेज है इसकी रैंकिंग ऑल इंडिया में काफी अच्छी रहती है अंडर फाइव अंडर टेन हमेशा बनी रहती है और ये डेडिकेटेड डिफेंस uh, का मेडिकल कॉलेज है अगर आप इसकी काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो इसकी काउंसलिंग का ऑप्ट तो आप यहीं से करेंगे बट इसके अपने इंटरनल एग्जाम्स भी होते हैं उसके लिए मैं आपको सेपरेटली डिस्कस करूंगा एम्स की हंड्रेड सीट्स बी बनारस में जो है यूपी में उसकी हंड्रेड परसेंट सीट्स एंड जिपमर जो हमारा है पुडुचेरी में या पौडीचेरी में उसकी भी हंड्रेड परसेंट सीट्स हमारी ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ही फिल होगा सी जैसा कि मैंने बोला कि आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे महाराष्ट्र इट इज बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया डेडिकेटेड टू द नेशन ऑल द स्टूडेंट्स

आपके सामने एक ऑप्शन आता है कि जब आप काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं वहीं पे आपके सामने ऑप्शन आता है यस और नो हाँ लेकिन अगर मैं आपको ये बता दूं कि इफ यू वांट टू गो फॉर द एएफएमसी काउंसलिंग तो उसमें क्या अगर आपने ऑप्ट कर लिया है यस yes. तो आपका जो एज अ बॉय अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम मार्क्स हालांकि ये एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं ऑन एन एवरेज जो मैंने आइडिया लगाया है लास्ट प्रीवियस Years में, वो सिक्स टेन फॉर द बॉयज है, है. एंड सिक्स कर दोगे इंटरनलेंट मतलब yes आपका जो एग्जामिनेशन होगा वहां पर आपकी इंग्लिश uh, टेस्ट की जाएगी जनरल इंग्लिश एज वेल एज ग्रामर फिजिकल टेस्ट आपका किया जाएगा मेडिकल टेस्ट आपका किया जाएगा उनके अपने इंटरनल टेस्ट जो 200 मार्क्स के हैं उसके बाद उसमें इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा विद इन दैट टू मार्क्स एंड एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी नीट मार्क्स एंड देयर इंटरनल असेसमेंट मार्क्स दोनों मिला के जब एक बार मेरिट लिस्ट रिलीज की जाएगी तब जाके आपको आपकी सीट अलॉट होगी गर्ल्स के लिए ओनली थर्टी सीट्स एंड बॉयज के लिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इट इज अराउंड 120 ट्वेंटी तो ये हो गया आपका ए एफ एम सी अब अगर मैं काउंसलिंग की बात करूं कि कितने राउंड की काउंसलिंग यहां पे होने वाली है तो टोटल फोर राउंड है मॉपोप राउंड को ही राउंड थर्ड बोला जाता है और स्टे वैकेंसी राउंड एक और एड किया गया है दैट इज द फोर्थ राउंड अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि चॉइस की फिलिंग वंस यू रजिस्टर्ड फॉर द राउंड वन मैं राउंड वन की बात करूं कि एक बार आपने राउंड वन के लिए रजिस्टर्ड कर दिया है टिल ट्वेंटी ऑफ जुलाई तो अगर आप चॉइस फिलिंग की बात करोगे तो अलोंग विथ योर रजिस्ट्रेशन आज से दैट इज ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी सिक्स जुलाई रात के ग्यारह बज के मिनट तक आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो मिनिमम एक चॉइस आपको देना पड़ेगा मैक्सिमम आप कितनी भी चॉइस दे लो लेकिन अगर आपने चॉइस नहीं दिया तो ये माना जाएगा कि आप इस राउंड ऑफ द काउंसलिंग से बाहर हो एंड आपको अपना चॉइस लॉक भी करना पड़ेगा देखो अगर आप लॉक करना चाहते हो तो आपको ये जो चॉइस है इसको लॉक करने के लिए आपके पास ये टाइम है कि ट्वेंटी सिक्स जुलाई को तीन बजे से लेकर रात के ग्यारह पचपन तक आप इसको लॉक कर सकते हो अगर आपने लॉक नहीं किया तो भी ये ऑटो लॉक हो जाएगा दैट इज अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते 26 जुलाई के बाद एंड इसके बाद अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा राउंड वन एक बार आपके रैंक्स को प्रोसेस किया रिजल्ट डिक्लेयर किया इफ यू गॉट द सीट यू हैव टू ऑप्शंस अगर आपको यहाँ पे सीट मिलता है तो वेदर यू विल बी गेटिंग दिस एडमिशन या फिर आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करोगे एंड अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है तो यू गो फॉर राउंड सेकेंड और अगर आप फ्री एग्जिट भी करते हो तो भी गो फॉर द राउंड सेकेंड फायदा यह है कि अगर आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करते हो तो उसका मतलब क्या हुआ आपने एडमिशन लिया एडमिशन लेने के साथ आपने वहां पे ऑप्ट कर लिया कि मैं अपग्रेडेशन के लिए जाऊंगा तो ये बिल्कुल सेफ साइट होता है फ्री एग्जिट का मतलब आपने रिपोर्ट ही नहीं किया इनफैक्ट आपको सीट मिली भी है बट तो आपने रिपोर्ट नहीं किया और आप सेकेंड राउंड में डायरेक्टली जाना चाहते हो सीट नहीं मिली है तो भी आपको सेकेंड राउंड में जाना है अब अगर सेकेंड राउंड की बात करें तो रिक्वायर्ड फ्रेश रजिस्ट्रेशन जिन्होंने राउंड वन में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था अगर में उन्होंने नहीं किया था तो या फिर उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं किया था राउंड वन में फ्री एग्जिट या फिर उन्होंने अपग्रेडेशन को अप्लाई किया है या फिर राउंड वन में सीट अलॉट नहीं हुई है गो फॉर द फर्दर रजिस्ट्रेशन राउंड सेकेंड का रिजल्ट प्रोसेस होने के बाद अगर आपने अपग्रेडेशन को अप्लाई किया था तो आपके पास दो ऑप्शन राउंड वन में आपका ड्रीम कॉलेज नहीं मिल रहा था आपने अपग्रेडेशन अप्लाई किया था और अपग्रेडेशन सेकेंड राउंड में आपको रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर हुआ तो आपने देखा कि आपको नई सीट अलाट हुई अब आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप एडमिशन लोगे और नहीं तो फिर आप एडमिशन नहीं लोगे अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो इन राउंड तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो डूब जाएगा टेन थाउजेंड रुपीज अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए हो और अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए हो तो टू लैख रुपीज सेकेंड राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हो चुकी है स्टिल आप नहीं ले रहे हो तो वो आपको नहीं मिलेगा लेकिन अगर आपको सीट अलॉट ही नहीं हुई है देन तो जब आपको सीट नहीं हुई है, तो आप की के लिए थे, में आपने अपनी थी कैन गो बैक एंड यू कैन रिजर्व योर फर्स्ट राउंड सीट आपका कोई लॉस नहीं है लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनको राउंड सेकेंड के पार्टिसिपेंट्स हैं राउंड वन में उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो या तो उनको सीट मिलेगी देख या फिर वो फर्दर अप्रेडेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं एंड देर दर्ड राउंड या फिर वो थर्ड राउंड के लिए जाएंगे इट मीन की जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन हुआ था राउंड सेकंड में उन स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड में अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं किया था माइड भी उनको लग रहा था कि उनकी रैंक काफी डाउन है और फर्स्ट

अपने आप को अपग्रेड कर सके लेकिन अभी जो सीट उनको अलॉट हुई है वो उसको रिजर्व कर लेंगे दूसरे वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको सीट मिली ही नहीं है ऑफ कोर्स अगर उनको सीट नहीं मिल रही है तो दे हैव टू गो फॉर द थर्ड राउंड और दे मे गो फॉर द स्टेट काउंसलिंग एज आई टोल्ड यू कि इस बार 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी दोनों पैरल में रन कर रहे हैं ताकि टाइम कम लगे और बच्चों को प्रॉपर सीट अलाट हो जाए तो अगर यहां पे उनको सेकेंड राउंड में सीट नहीं मिली है तो या तो वो कर सकते हैं कि वो थर्ड राउंड के लिए चले जाए और नहीं तो वो स्टेट काउंसिलिंग के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वन अब अगर हम बात करते हैं कि थर्ड राउंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज मॉपअप राउंड इसमें क्या हो फ्रेश रजिस्ट्रेशन किसको करने की जरूरत है फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत उसको है जिसको सेकेंड राउंड में सीट मिला तो था लेकिन उसने एग्जिट कर दिया और उसकी सिक्योरिटी जब्त कर ली गई है वापस नहीं की है मतलब कि फर्स्ट राउंड से वो सेकेंड राउंड में आया या फिर सेकेंड राउंड में उसने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया उसको सीट अलॉट हुई बट उसने सीट को होल्ड नहीं किया एडमिशन नहीं लिया उसकी सिक्योरिटी खत्म कर दी गई उसको वापस नहीं मिली अब अगर वो राउंड में आना चाहता है तो यस दैट कैंडिडेट इज एलिजिबल कि वो इलिजिबल सेकेंड राउंड में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं दे आर गेटिंग वेरी लो मार्क्स और वेरी लो रैंक दे आर नॉट कॉन्फिडेंट कि उनको फर्स्ट राउंड में सीट मिलेगी या सेकेंड राउंड में सीट मिलेगी सो दे कैन ऑल्सो इनरोल्ड हियर उनका रजिस्ट्रेशन फ्रेश करना पड़ेगा इन दर्ड राउंड जो रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाले स्टूडेंट्स होंगे वो ये है कि फर्स्ट राउंड में उनको सीट नहीं मिली सेकेंड राउंड में भी उनको सीट नहीं मिली उन्होंने फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन कर लिया था देवर वेटिंग फॉर द सीट बट दे डिड नॉट गेट एनी सीट इन सेकेंड राउंड देवर ऑल्सो वेटिंग फॉर द सीट बट दे डिड नॉट गेट एनी सीट दे कैन एंटर इन टू दट यहाँ पे उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है या फिर जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है फ्रॉम द सेकेंड राउंड अगर आपने फर्स्ट राउंड से अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था सेकेंड राउंड में सीट मिली थी नहीं लिया तो आप हो गए बाहर आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा लेकिन जिन्होंने सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था सीट मिली थी एंड दे ऑप्टेड फॉर द अपग्रेडेशन दे नो नीड टू गो फॉर द फ्रेश रजिस्ट्रेशन अब आपके राउंड थर्ड का रिजल्ट आया राउंड थर्ड का रिजल्ट आया फॉर दो स्टूडेंट वर अप्लाइड फॉर अपग्रेडेशन दे वर वेटिंग फॉर अपग्रेडेशन क्योंकि वो राउंड टू से आए थे अभी राउंड थ्री में वो अपग्रेडेशन के लिए वेट कर रहे थे दे गॉट सीट दे मस्ट टेक एडमिशन अब तो उनको एडमिशन ले लेना चाहिए इफ दे आर नॉट टेकिंग एडमिशन तो दे आर नॉट अलाउड टू गो फॉर फोर्थ राउंड में राउंड में जाने के लिए वो अलाउड नहीं है बिकॉज कि वो अपग्रेडेशन का वेट कर रहे थे सेकेंड राउंड में उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया उनको सीट मिली बट वो सीट को रिजर्व किए थर्ड राउंड में आ गए थर्ड राउंड में आने के बाद भी उनको सीट मिली है बट वो नहीं ले रहे हैं तो आगे वो फोर्थ राउंड में नहीं जा सकते इट मींस कि अभी आपको रुक जाना चाहिए बट ऐसे भी हैं जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया एंड दे आर नॉट अलॉटेड एनी सीट तो अब उनको क्या करना चाहिए उनको दोबारा से जाना चाहिए अपने सेकेंड राउंड में और सेकेंड राउंड की जो सीट थी उसको रिजर्व कर लेना चाहिए क्योंकि सेकेंड राउंड में उन्होंने अप्लाई किया रिस्टोर्ड किया सीट मिली अपग्रेडेशन ऑप्ट किया थर्ड राउंड में आए अपग्रेडेशन में सीट नहीं मिली गो बैक एंड टेक योर सीट ऑफ द सेकेंड राउंड लेकिन वो स्टूडेंट जिनको सीट मिला दे शुड ऑल्सो टेक एडमिशन और अगर वो एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो यहां पे उनका सिक्योरिटी जो होगा वो रिटर्न नहीं किया जाएगा

अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था उसके बाद भी उनको सीट नहीं मिली ओनली फॉर दूज कैंडिडेट्स जो थर्ड राउंड में सीट नहीं पा रहे हैं उनके लिए फोर्थ राउंड है दैट इज कॉल्ड वैकेंसी राउंड बिफोर दैट स्टे वैकेंसी राउंड फोर्थ राउंड में जाने से पहले अब यहाँ पे आपको जो काउंसलिंग है हमारी काउंसलिंग कमेटी वो एक कॉमन पोर्टल बना के रखी है और उसने क्या किया यहाँ पे ये सीट के होल्डर्स के नाम डिस्प्ले करना शुरू कर दिया नॉट ओनली फॉर द ऑल इंडिया कोटा बट ऑल्सो फॉर द स्टेट कोटा लाइक अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो और आपने ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अपने सीट्स को रिजर्व किया अपने सीट्स को होल्ड किया या एडमिशन ले लिया या फिर स्टेट कोटा के थ्रू भी आपने अपने सीट को होल्ड किया रिजर्व किया एडमिशन ले लिया तो आप सभी लोगों का एक कॉमन लिस्ट उसके पोर्टल पे जो हमारी काउंसलिंग कमेटी है उसके पोर्टल पे कॉमन एक लिस्ट आ जाएगी वो स्टेट काउंसलिंग कमेटी के भी पोर्टल पे आ जाएगी और ऑल इंडिया काउंसलिंग कमेटी के भी पोर्टल पे आ जाएगी कि ये स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी सीट होल्ड किया हुआ है दे आर नॉट फर्दर अलाउड टू गेट एंटर इन राउंड फोर तो इसके बाद क्या होगा कि अब आपका यहां पे आता है राउंड फोर एंड दैट इज कॉल फ्रेस्ट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अलाउड है अब तक नहीं होता था बट दिसम ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में यह जो फ्रेस्ट रजिस्ट्रेशन है ये अलाउड है किसके लिए अलाउड नहीं है जिन्होंने ज्वाइन किया सीट अलॉटेड में राउंड वन एंड राउंड टू में उसके लिए अलाउड नहीं होगा सीट जिन्होंने ने मॉपो ग्राउंड में ज्वाइन कर लिया है उसके लिए अलाउड नहीं होगा जिन्होंने होल्ड किया हुआ स्टेट काउंसलिंग कमेटी के सीट को उसके लिए ये अलाउड नहीं है कि वो यहाँ पे एंटर कर सके लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप देखो कि किसका रिजल्ट आया फिर से सेम कंडीशन रिपीट होती है कि आपको सीट मिली है एडमिशन ले लो अभी कुछ नहीं सोचना वही मैंने आपको पहले भी रूल बोला था कि अगर आप को एक ऐसी कंडीशन आती है कि बार कर दिया जाए फॉर द फर्दर टू कंसीक्यूटिव इयर्स लाइक अभी 23 में आपने ये फोर्थ राउंड में जाके सीट नहीं लिया तो आप 24 एंड 25 की काउंसलिंग से बाहर हो इनफैक्ट आप नीट का एग्जाम दे सकते हो 700 715 720 स्कोर कर सकते हो बट आपको सीट नहीं मिलेगी तो आपको यहां पे बार किया जा रहा है फॉर द नेक्स्ट टू इयर्स आपकी सिक्योरिटी भी वापस नहीं की जा रही है तो स्टूडेंट्स अगर आप फोर्थ राउंड तक गए हो सीट मिलती है तो ले लो कुछ मत सोचो बट अगर आपको यहां भी सीट नहीं मिली है और आप बिल्कुल मायूस हो चुके हो कि नहीं मेरे को तो अभी सीट नहीं मिली है यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी गलतियों को दोबारा रिपीट करोगे और सेम गलतियां बार बार रिपीट होंगी और आप अपना रिजल्ट इंप्रूव नहीं कर सकते आपको फिर से गवर्नमेंट मौका दे रही है इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप ड्रॉप ले सकते हो एक लीप ले सकते हो एंड प्लान करके आप अपनी गलतियों से लर्न करो कि मैंने क्या मिस्टेक्स किए थे जिसकी वजह से मेरे रैंक्स मेरे मार्क्स काफी डाउन हो गए इनफैक्ट मुझे फोर्थ राउंड में भी मार्क्स नहीं मिले हैं सीट नहीं मिली है तो व्हाई नॉट आई शुड गो फॉर अ ड्रॉप अगर आप ड्रॉप करते हो तो सो मेनी काइंड्स ऑफ एग्जांपल्स आई कैन गिव यू माय मेनी स्टूडेंट्स

रैंक कमाई है तो यू मस्ट टेक अ ड्रॉप एंड टू टेक अ ड्रॉप आई एम हियर एट दिस ऑफलाइन सेंटर ऑफ पुणे स्वरगेट अलॉन्ग विद माई कंप्लीट सेट ऑफ टीम एंड वी आर टेकिंग अदरवाइज आप यहां पे क्या कर सकते हैं कि स्टेट काउंसलिंग में भी जा सकते हैं और वहां पे भी अपनी तकदीर को एक बार दोबारा से ट्राई कर सकते हैं नो बिकॉज आई टोल्ड यू की दैट आई बिलोंग्स टू दिस स्टेट महाराष्ट्र दैट इज वाई आई एम हियर विद द काउंसलिंग ब्रीफ काउंसलिंग प्रोसीजर ऑफ द महाराष्ट्र फॉर रेस्ट ऑफ द स्टेट यू इफ यू कॉमेंट मी देन आई कैन प्रोवाइड यू प्रॉपर गाइडेंस अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट फॉर योर रिस्पेक्टिव स्टेट महाराष्ट्र में जो काउंसलिंग कमिटी होगी वो क्या है कि यहां पर स्टेट कोटा का सबसे पहले हमें मतलब समझ में आना चाहिए एमबीबीएस सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे तो पीडब्ल्यू एज वेल एज सैनिक और ये सारा का सारा हमने अगर लगा दिया तो एटी फाइव परसेंट जो हमारे पास कोटा होगा वो एटी फाइव परसेंट कोटा जो होगा वो हमारे स्टेट कोटा का होगा इसके लिए महाराष्ट्र की जो काउंसलिंग कमेटी है वो ध्यान रखेगी मैं कुछ कॉलेजेस की बात करता हूँ यहाँ पे एमबीबीएस में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है महाराष्ट्र में इनफैक्ट दिस नंबर कैन चेंज

इंक्लूडिंग दैट uh, आपका गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट तो फोर्टी थ्री कॉलेज में जो सीट है, वो है। और पे हो रहे हैं, आपको देखने को मिल रही है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अगर मैं स्टेट कोटा की बात करू रिजर्वेशन की बात करूँ तो यहाँ पे जो हमारा रिजर्वेशन है फॉर दिस जनरल कैटेगरी अगर आप देखोगे तो ये जनरल कैटेगरी है इस जनरल कैटेगरी में थर्टी सेवन परसेंट ऑलमोस्ट यही ऑल इंडिया कोटा में भी था फीमेल कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके लिए 30 परसेंट सीट्स का रिजर्वेशन है उसके लिए हो गया हमारा एस सी एज वेल एज एस ये हो गया हमारा ओपन कैटेगरी well ये, ये हो गई हमारी फीमेल्स एंड टेन परसेंट के लिए होगा ये हो गया हमारा ईडब्ल्यू एस पी डब्ल्यू डी के लिए जो होगा ये हमारे हो गए पीडब्ल्यू डी का कोटा एंड हिल एरिया के लिए जो हिली एरिया होता है उसके लिए थ्री परसेंट ऑर्फैंस के लिए जो होगा वो वन परसेंट रिजर्वेशन है ये हमारे महाराष्ट्र की बात है नाउ सम समेजेज ऑफ महाराष्ट्र अलॉन्ग सीट्स मैंने बोला कि ब्रीफ में ही मैं महाराष्ट्र डिस्कस कर सकता हूं बिकॉज ट विडियो दिसी तो अभी मैंने ऑल इंडिया कोटा को डिस्कस किया था और महाराष्ट्र का मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ। तो ये है हमारा जीएमसी मुंबई का है सीट्स हैं इसके पास एंड लोकमान्य तिलक में भी टू हंड्रेड सीट्स हैं। आप अगर देखोगे तो ये है आपका इसको हम कहते हैं के एम मुंबई दिस वन इज के एम मुंबई

और ये उसके कॉलेज uh, का नाम है उसकी सीट्स का नाम है। हैव अ लुक द एमबीबीएस सीट्स बी के लिए चार ही गवर्नमेंट uh, कॉलेजेस थे तो वो वन टू थ्री एंड फोर और ये उनकी टोटल सीट्स हैं दिस इज सम इम्पॉर्टेंट वेबसाइट जो आपके काम आएगी और इस तरह से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे ये जो डिस्कशन था वो फिनिश कर दिया है फॉर द प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस इफ यू रियली वांट की मैं आपको फर्दर कुछ डॉक्यूमेंटेशन लाइक like आपको वो प्रोसीजर की हेल्प करूं कि आप अपने स्टेट काउंसलिंग को कैसे फॉलो करेगी या फिर इफ यू वॉन्ट मोर डिटेल्स अबाउट द महाराष्ट्र काउंसलिंग प्रोसीजर यू कैन हैव अ कॉमेंट इन दिस सेक्शन देन आई कैन गिव यू माई सेपरेट वीडियो मैं आपको यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स जरूर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कराऊंगा जहां से आप कट ऑफ की जो लिस्ट होती है वो निकाल सकते हो और अपने रैंक्स के साथ मैच करते हुए कट ऑफ वाले कॉलेजेस को ऑप्ट कर सकते हो फॉर योर राउंड वन टू थ्री एज वेल एज फोर देन ऑनली इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू कि आप अपनी जो काउंसलिंग uh, है उसको प्रॉपर फॉलो करके अपना बेस्ट रिजल्ट दे सको इन चीजों के लिए देर आर सो मेनी डिफरेंट काइंडीज एंड देर चार्जिंग वेरी हाई कॉस्ट वो चार्ज कर रहे होते हैं बट दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस यू कैन गो विर ओन वे आई विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग यू सो स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माइ चैनल एंड प्रेस दिस बेल आईकॉन आपको सारे के सारे जो भी होते हैं जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगा आपको पहले मिलेगा और आप इसको लाइक करें शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें कि आपको मेरे बाकी के वीडियो जो मैंने अपने लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड किए हैं उसमें से क्या पार्ट आपको ज्यादा अच्छा लगता है सो टिल देन डू डू गुड वेल इन योर लाइफ एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एग्जामिनेशन जो आपका काउंसलिंग प्रोसीजर है उसके लिए एंड आई विश कि आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिले हैव अ वेरी नाइस डे